At least two persons were injured after armed robbers on Sunday looted cash and valuables worth rupees 5 lakh from a Delhi-bound private tourist bus on the Yamuna Expressway. Giving details, Aligarh SSP Rajesh Kumar Pandey said, Bus, जो दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रही थी, उसका पहिया पंचर हो गया था, वो खड़ी हुई थी, उसमें ड्राइवर और क्लीनर उसका वो पहिया बना रहे थे, चढ़ा रहे थे उसे, कि वहाँ पहुँच गए हैं, शराब के नशे में थे बहुत ज़्यादा ये बदमाश, और इन्होंने उन यात्रियों से लूटपाट की, लोगों ने विरोध किया तो फिर वहाँ उन्होंने एक फायर कर दिया जिससे दो लोगों को मामूली फायर आर्म की चोट लगी है, एक को पैर में और दूसरे को हिप में चोट लगी है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे, जैसे सूचना मिली हम लोग पहुँच गए थे, हम वहाँ कॉम्बिंग करा रहे हैं और जो हुलिया बताई गई है उस हुलिया के जो आसपास के लोग हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तलाश करा रहे हैं। महिला दोनों महिलाओं को पुरुष जिनको चोट लगी थी उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। The injured persons were rushed to a nearby hospital for immediate treatment.